Naam tera, tera, naam tera, tera, naam tera, tera. Mere mehboob qayamat hogi. Aaj phir jeene ki tamanna hai, aaj phir marne ka irada hai. Hello everyone, this is Sunil Kashyap. I'm watching channel Technical Sunday. आज मैं जा रहा हूँ शहाड लोकेशन पे. ये शहाड उल्लासनगर के करीब आता है महाराष्ट्र में. तो इश्यू वहाँ ये है कि एक्चुअली जो शहाड का हमारी साइट है वो पीएलएम बाउंड्री वाली साइट है और इसके जस्ट 500 मीटर के बाद ही मुंबई लोकेशन चालू हो जाता है. अब इश्यू ये हो रहा है कि जो मुंबई के सिग्नल्स हैं वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र के सिग्नल्स हैं वो मुंबई में जा रहे हैं. तब इससे इश्यू ये होता है कि हमारे जो महाराष्ट्र लोकेशन के जो सेल्स वाले बंदे हैं उनको कस्टमर्स ने कंप्लेन किया हुआ है कि जब भी ये सिग्नल्स मतलब वो उनके पास महाराष्ट्र के सिम्स हैं लेकिन मुंबई के सिग्नल्स पे जब वो लैच हो जाते हैं तो उनको इशू आती है कि कॉल वगैरह नहीं लगते हैं, डेटा उनका बिल्कुल नहीं चलता है, मिस कॉल अलर्ट्स वगैरह बहुत सारे आते हैं. तो ऐसे इशूज उनको फेस हो रहे हैं. हमने करीब 7-8 महीने पहले भी इस चीज़ पर काम किया था. वहाँ जाके थोड़े ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किए थे बट अभी फिर से वहाँ इश्यू आने लगा है. तो ये सस्पेक्टेड है कि किसी ने वहाँ रिसेंटली जाके ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर दिया है क्योंकि बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के वर्क वगैरह चलते रहते हैं. तो अभी जाके वहाँ देखना है कि ऑप्टिमाइजेशन वहाँ किसी ने किया है कि क्या हुआ है. बट मुझे ऐसा डाउट है कि ऑप्टिमाइजेशन करके उन्होंने जो एंटीना है जो एंटीना वहाँ महाराष्ट्र सर्कल में फेस कर रहा है उसको ओपन कर दिया है कि ताकि सिग्नल थोड़े ओवरशूट होने लगे और उनके जो भी कस्टमर कंप्लेन है वो रिजॉल्व हो जाए. तो मैं अभी जा रहा हूँ, अभी एक मुंबई सर्कल से एक डीटी आ रहा है. मेरा भी डीटी अभी सहाड में है, उसका वेट कर रहा है और मैं भी जा रहा हूँ अपने एंड से देखूँगा कि क्या उसमें पॉसिबल क्या उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं जाकर देखूँगा. तो मिलते हैं हम सहाड अभी स्टेशन वाली साइट पर और वहाँ हम देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें अभी रिजॉल्व होने वाली है. तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सहाड स्टेशन. अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो से होती है. अभी हम लोग पहुंच गए हैं सहाड़ में. सहाड़ में अभी मैंने गाड़ी चेंज कर ली है. ये दो बंदे हैं पीछे, एक बंदा यहाँ छुपा हुआ है. अब ये दोनों बंदे अभी ड्राइव कर रहे हैं. 2G की ड्राइव हमने कंप्लीट कर ली है. 2G की ड्राइव में हमें मिला है कि जो मुंबई के सिग्नल्स हैं वो महाराष्ट्र में करीब 1 किलोमीटर तक ओवरशूट हो रहे हैं. उसमें पर्टिकुलरली 2 सेल आईडी है जो ज़्यादा ओवरशूट कर रही है. तो अभी ड्राइव करने के बाद हम लोग उसको प्लॉट करने वाले हैं. प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डायरेक्शन में वो आ रही है. अभी चलते हैं, आपको बताता हूँ कि आगे क्या होता है. थोड़ा ये दो बंदों का भी फीडबैक ले लेते हैं. तो नीलेश और पिंटू, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से कौन से सर्कल से हो आप लोग? हाय, आई एम पिंटू, मैं महाराष्ट्र सर्कल से हूँ और मेरे साथ में है ये नीलेश सिंह जो कि मुंबई सर्कल से हैं. तो आप लोग किस पर्पस के लिए आए हो आज? आज सर हम लोग यहाँ पे हैं कि जो हमारा बाउंड्री है मुंबई एंड महाराष्ट्र, मुंबई और महाराष्ट्र का जो बाउंड्री है सहाड़ में, सहाड़ सर्कल में, वहाँ पे कुछ साइटें मुंबई की महाराष्ट्र में वो शूट कर रहे हैं जिसकी वजह से वॉइस क्रैकिंग और कॉल ड्रॉप की इशू हमें मिल रहा है. कॉल कम्युनिकेशन वही हम चेक कर रहे हैं अभी. यहाँ आपके ड्राइव कर रहे हैं, वो सेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से वो सेल हैं जो कि मुंबई से महाराष्ट्र में ओवर शूट कर रहा है. जी आपका पर्टिकुलरली ये जो सर्कल है मुंबई सर्कल, आप इससे काफी रूबरू हैं, इसको जानते हैं, तो कौन कौन सी सेल आईडीज आ रही हैं? सर मेजरली 2 साइट्स आ रही है. अपना ये KLW 633 सेकेंड सेल एंड KLW 283 सेकेंड सेल, मेजरली वही ओवरशूट होकर के आ रही है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है काफ़ी. अच्छा, 1.1 किलोमीटर तक आ रही है. 1 km से ज़्यादा है सर. अच्छा, तो आप क्या करने वाले हो अभी? सर उसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करके उसको थोड़ा डाउन करेंगे. अब हमारा जो टिल्ट रहेगा मेजरली अगर ज़्यादा ओपन होगा तो उसे थोड़ा
कम करेंगे ताकि ओवरशूट होकर के इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे ना आए, जिससे हमारी कॉलिंग बेटर हो ये एरियाज में। तो सर कंपैरेटिवली अगर 2G और 4G का देखा जाए तो 4G भी इतना ओवरशूट कर रहा है कि 4G नहीं कर रहा है? नो सर, मेजरली 2G ओवरशूट कर रहा है, 2G नॉट ओवरशूटिंग 4G। मिंटू तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है, जब महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आए हो देखने के लिए चीजों को, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा? हम लोग सर अभी महाराष्ट्र में ड्राइव मार रहे हैं, तो इसके पहले हम 2G का ड्राइव मारा था, वहाँ पे हमें 2 से 3 सेल्स ऐसे जो ज़्यादा अंदर तक हमें ओवरशूट मिल रहे थे, 1 किलोमीटर अंदर तक आ रहे थे। अभी हम लोग 4G पे ड्राइव कर रहे हैं तो 4G पे उतनी ओवरशूटिंग नहीं है जितनी कि 2G पे था। 2G के कंपेरिजन में 4G का उतना ओवरशूट नहीं है, ज़्यादा दूर तक नहीं है। अभी हम लोग चूँकि यहाँ पे अंदर हैं तो हमारा अभी 3G में जा रहे हैं, 3G में अभी महाराष्ट्र की साइड पे ही लैच हो गए, हम लोग 1 किलोमीटर से अंदर हैं, 1 किलोमीटर के रहते हैं। 4G का दिक्कत नहीं है, मेन जो कर रहे हैं ओवरशॉट हो रहा है 2G में, क्योंकि वो 900 बैंड पे, और वो जो अभी हम लोग बाउंड्री के पास रहते हैं 500 मीटर तक 600 मीटर तक 4G का आ रहा था ओवरशूट कर रहा है। सर इज सेल्स प्रोस्पेक्टिव, आप क्या इश्यूज आ रहा है इस एरिया में? हम अगर सेल्स परस्पेक्ट इसमें बात करें, हम सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस पूरे एरिया में जो बॉर्डर एरिया है आप देख सकते हो, सिर्फ पटरी का डिफरेंस है, सिर्फ एक रेलवे की पटरी जो है वो कल्याण को जो कि मुंबई सर्कल में है एडजॉइनिंग, और ये उल्लासनगर जो कि महाराष्ट्र एंड गोवा सर्कल में है, इसको सिर्फ ये बांटती है। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे नेटवर्क हमारा ऑप्टिमाइज्ड हो और एरिया में, अपने एरिया में अपनी फिजिकल जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसमें कन्फाइंड हो, नहीं तो उसके कारण दोनों साइड के कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसा कि आप अभी हाँ जो महाराष्ट्र लोकेशन है वहाँ के सेल्स वगैरह को आप देखते हैं, हाँ, तो आपके आपको जो फीडबैक आते हैं, हाँ, जो आपके रिटेलर्स वगैरह हैं, हाँ, जो भी TFCs हैं या कस्टमर्स हैं, वो आपको फीडबैक कैसे आते हैं? बहुत ख़राब आते हैं ये फीडबैक, इस तरह के कि हमारी आपकी सर्विसेज बहुत ख़राब हैं, क्योंकि कंपैरिजन सीधे मुंबई सर्कल में, यहाँ पर दोनों तरह की सिम अवेलेबल हैं। वी बीइंग अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा टीम, हम लोग को हमारा प्रोडक्ट पुश करना है, और यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट हैं, कस्टमर चाहे तो जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर मुंबई का भी सिम ले सकता है और हमारा भी सिम ले सकता है। सो वी आर फाइटिंग टूथ एंड नेल विद द कॉम्पिटिशन, और वहाँ पर अगर हमारा नेटवर्क ही हमको अगर दगा देगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि चूँकि ये यहाँ पे जैसे ही रोमिंग का इसमें मुंबई का जो सिग्नल ओवरशूट होता है और हमारे बाउंड्रीज़ के अंदर में आता है, तो उसमें कॉल ड्रॉप्स आते हैं मेरे ख्याल से शायद हैंड ऑफ के कारण, तो कॉल ड्रॉप्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, कॉल डिटेरेट होता है, पूरे टाइम रोमिंग के अंदर में सिग्नल्स रहते हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र एंड गोवा के सिग्नल और इसके बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, वो सिग्नल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो साइट बताई गई थी, हमारी साइट जो महाराष्ट्र एंड गोवा की साइट है बेसिकली वो मुंबई एंड गोवा मुंबई सर्कल में लगी हुई है, तो वो मुंबई सर्कल में रह के फिजिकली रह के यहाँ पर सिग्नल देती है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो स्पिल ओवर है वो थोड़ा गड़बड़ है, और इस पूरे एरिया में हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब अगर हम मैं बात करूं कि जो रिटेलर हमारे पहले 100 एक्टिवेशन करता था वो आज की तारीख में 3 एक्टिवेशन भी नहीं कर रहा है। हम लोग अभी जाके उनका लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैंने उनका लाइव रिकॉर्डिंग करके शेयर किया हुआ है, तो मतलब इतना नंबर ड्रॉप हुए हैं, मतलब 100 में 100 करने वाला आज 3 नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? और वहाँ पर पूरा कॉम्पिटिशन घुसा हुआ है, वो पूरा शेयर जो है एयरटेल ने और जियो ने लिया हुआ है। सो ये जो कस्टमर्स वगैरह हैं, हाँ, मुंबई के सिग्नल पे लैच रहते हैं कि महाराष्ट्र के सिग्नल पे? ये फ्लक्चुएट होता रहता है उनका बेसिकली। अगर हम मुंबई से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है मुंबई सर्कल से कल्याण से, सो वो ही कैन गो अप टू टू, मतलब 2 किलोमीटर्स 2 किलोमीटर अंदर तक, चोपड़ा कोर्ट तक आप 15-17 सेक्शन तक पहुंच जाएंगे 1-2 किलोमीटर, तब तक वो मुंबई का सिग्नल ही उसको लैच ऑन रहता है। जो कि वैसा होना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल बाउंड्री पे कटना चाहिए, क्योंकि जब हम उल्टा होते हैं, जब हम महाराष्ट्र एंड गोवा से जब हम मुंबई सर्कल की तरफ जाते हैं, हमारा ब्रिज पे जाके कट जाएगा सिग्नल, तो हम लोग हमारी बाउंड्रीज में कन्फाइंड है, लेकिन उन लोगों का ओवरशूट कर रहा है हमारी बाउंड्रीज के अंदर में। सो इसके कारण तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और रिटेलर्स ने हमको एकदम
डिजेक्ट कर दिया है और कस्टमर्स भी नहीं। जब रिटेलर इतने निगेटिव हैं, हमारे खुद के बेचने वाले रिटेलर इतने निगेटिव हैं, तो यू कैन इमेजिन ऑफ कस्टमर्स कि उन लोगों के क्या हाल होंगे। सबके पास ऑप्शन है, किसी को कुछ तो आप ये जो टेक्निकल साइंटिस्ट चैनल है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुंबई जो टीम है उसको क्या मतलब क्या उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हो? मैं टेक्निकल संडी आपका जो चैनल है उसके माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक जो डिसिप्लिन होता है, एक जो हमारी बाउंड्रीज का डिसिप्लिन होता है, हमारे सिग्नल इंटेंजिबल हैं लेकिन उन सिग्नल का हमको एक डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसके कारण महाराष्ट्र गोवा जो कि आप लोगों का एक पेरेंट है और हम लोग हमारी तरफ से पूरी तरीके से डिसिप्लिन रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग डिसिप्लिन नहीं रखे हुए हैं, इस कारण अल्टीमेटली हमारे कस्टमर्स को नुकसान हो रहा है। और आप लोगों के सिग्नल के कारण ये बेसिकली आपके ऐसा नहीं हो रहा है कि ये मुंबई आइडिया में या मुंबई वोडा में जा रहे हैं, ये कस्टमर्स जियो में या एयरटेल में पोर्ट आउट हो रहे हैं, जो कि मतलब हमारा पूरा नुकसान है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच सर आपका बहुत ही वैल्यूबल फीडबैक देने के लिए। आई होप मुंबई टीम इस चीज़ को सुन रही होगी और रियलाइज भी कर रही होगी कितने पेन में हैं आगे लोग। बहुत बहुत तकलीफ है, उस चीज़ को दूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रोमिंग का क्या इशू आ रहा है आपको? वही पता है, नेटवर्क होता है तो फिर अपने कॉलिंग वगैरह में और नेट जाने वो दिक्कत आती है। अच्छा, आपके कॉलिंग का मेन कैसा, कॉलिंग का इशू कैसे होता है, आप कैसे पता करते हो? आपकी कॉलिंग ड्रॉप होता है तो मालूम पड़ जाता है ना कि भाई नेटवर्क का इशू ज़्यादा है। आपको होम नेटवर्क पे इशू आ रहा है कि इसके बाद जो दूसरा आ रहा है? आपके मोबाइल में कैसा क्या दिखाता है, आप दिखाएंगे कुछ? अभी तो फिलहाल नॉर्मल है, अभी होम नेटवर्क है। उसमें दो आइडिया आप बता रहे थे मुझे, देख लीजिए, दिखा रहा हूँ ये। अगर यहाँ पे आइडिया की जगह बड़ा फोन आ जाता है, यहाँ पे रोमिंग लिख के आ जाता है, तो मतलब वो प्रॉब्लम दे गई आपका। अच्छा, जब भी यहाँ बड़ा फोन लिख के आता तब आपको इशू आने लगता है, वो इशू में क्या वॉइस ब्रेक क्या होता है? ओके, ये साइट है जो बिल्कुल शेड पे लगी हुई है, ये पूरा जो है इसके टेरेस पे शेड लगा हुआ है और इसके ऊपर हमारी साइटें लगी हुई हैं, तो आप कभी भी ऐसी साइटों पर आएँ तो हमेशा सेफ्टी के साथ आएँ। जैसे अभी हम लोगों ने जो ओवरशूट की प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने ड्राइव मार के हम लोगों ने रिपोर्ट निकाल के देख लिया कौन सी साइटें ओवरशूट कर रही है। अब हम जो साइट ओवरशूट कर रही है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आए हैं। अभी ये बिल्डिंग पे है, हम लोग G+6 की बिल्डिंग है जो कि काफ़ी हाइट पे है, इसी वजह से वो ओवरशूट की प्रॉब्लम थी। ये सेल इसलिए जा रहा था क्योंकि हाइट पे, अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आइए चलिए ऑप्टिमाइज करते हैं। हाँ सर, हुआ, चार साइड है ऑप्टिमाइज किया, बट सर दो साइड पे बहुत इशू क्रिएट हुआ, वहाँ पे एक्सिस का इशू हो रहा था और एक साइड पे तो सर पॉसिबल ही नहीं था जाने के लिए, वहाँ पे वो टेरिस माउंट था, चढ़ना भी पॉसिबल नहीं था। और सर पत्रे की साइड थी बस, और कौओं का छत्ता भी लगा हुआ था, मधुमक्खी का छत्ता भी था, बट सर अपना काम था तो हार्डली इम्पोर्टेंट था तो कर लिया सर। हाँ सर, अभी हम लोगों ने ये रिसेंटली एक साइट पर ऑप्टिमाइज किया है, उसके सेक्टर घूम नहीं रहते, फिर भी हम लोगों ने मतलब काफ़ी हार्डली मेहनत करके उसके से मॉड्यूल लग रहे थे, क्लैंप लग रहे थे, उसके जो नट बोल्ट थे उसके पैनल नहीं थे हमारे पास, तो खुल नहीं रहा था एक्चुअली वो। कैसे किया उसको, फिर से ज़बरदस्ती मतलब कैसे खोल के और मतलब धक्के मार के वो घुमाया हम लोगों ने कैसे भी। हाँ सर, थोड़ा लात मार के और अभी नहीं कर, अब करना है सर तो कैसे गए हैं वहाँ पे उतना तो करना पड़ेगा, तो कर दिया किसी तरीके से। क्या लगता है? हाँ सर, अभी तो हम लोगों ने जो अभी जो हम लोगों ने किया है उसका आउटपुट मिलेगा, अभी मेन बढ़िया मिलेगा सर। जो भी इशू क्रिएट करने वाली साइटें थी उसको हम लोगों ने हटा दिया है, उसको ऑप्टिमाइज किया है, हमने दबा दिया है। डेफिनेटली सर, जितना काम हमने किया है उससे तो 90 से 95% तक तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही। अच्छा, लोगों की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी? हाँ सर, मोस्टली सर उसमें मेजर इशू तो नहीं आएगा, कुछ मेजर इशू जो क्रिएट हो रहा था वो तो रिजॉल्व हो ही जाएगा, नॉर्मल इशू अगर थोड़ा करने जा रहे हो।
अभी सर हम एक बार पोस्ट ड्राइव मार के चेक करने जा रहे हैं, हमने प्री चेक किया था, अभी हम एक बार फिर से पोस्ट ड्राइव मार के चेक करेंगे कि जो साइटें हमारे ओवरशूट होकर के आ रही थी महाराष्ट्र सर्कल में, मुंबई सर्कल टू महाराष्ट्र सर्कल, वो प्रॉपरली सब सॉल्व हो गया है ना, वो ओवरशूट तो नहीं कर रही है, अगर वो करेगी तो डेफिनेटली हम इसका और रिजॉल्व करवाएंगे। ओके सर, ओके सर। तो भाई लोग क्या हुआ, अभी फिर से क्यों आ गए वापस? अभी हम लोगों ने ऑप्टिमाइज साइड जो सेल ओवरशूट करा था उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद से हम ड्राइव मार रहे थे, ये सेल आइडिया ऐसा था जो फिर से ओवरशूट कर रहा था, तो हम लोगों ने फिर उसको सही करने के लिए वापस आ गए। अभी हम लोगों ने उसको सही कर लिया है, अब फिर से हम जा रहे हैं चेक करने के लिए, फिर से करने जा रहे हैं, करके हम आपको बताते हैं क्या हुआ। एक साइड की वजह से हमारा सारा काम अधूरा हो जाता, जो हमने सुबह से लेकर के अभी तक मेहनत किया वो हमारी सारी खराब हो जाती, इसके लिए हमने ड्राइव पोस्ट ड्राइव तो हमने किया बट एक सेल हमारा फिर से ओवरशूट कर रहा था, जिसके वजह से हमारा क्लटर भी खराब हो जाता और कवरेज वाइज क्वालिटी सब कुछ वीक हो जाती, तो हम फिर से वापस आए साइड पे, उसको हमने रीचेंज किया है और फिर हम वापस से फिर से एक बार पोस्ट ड्राइव करके देख लेते हैं, तो अभी तो 100% वैसे इशू रिजॉल्व ही रहेगा। ओके, तो चलो चलते हैं फिर पोस्ट ड्राइव करने चले। यस सर, चलो। वैसे मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, हल्की हल्की सी बूंदें भी पड़ने लगी हैं, तो इस मौसम में टेक्निकल सैंडी पर पहली बार लाइव ऑर्केस्ट्रा आप लोग सुनने जा रहे हैं और लाइव ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत हो रही है हमारे पिंटू जी प्यारे लाल से। पिंटू जी, आप कौन सा गाना या शायरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे सामने? एक छोटी सी शायरी है सर। हाँ, छोटी सी रहे तो अच्छी बात है। थोड़ा दर्द है। हर रात एक नाम याद आता है। क्या बात है। हर रात एक नाम याद आता है, कभी सुबह कभी शाम याद आता है, सोचता हूँ कि कर लूँ फिर से मोहब्बत, फिर पिछली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। क्या बात है, क्या बात है। फिर एक गाना भी सुना दीजिए। दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम तेरा तेरा नाम तेरा तेरा नाम तेरा तेरा। किसी ने सही कहा है कि आदमी मतलब इंजीनियर करने के बाद पगला जाता है। आज आप लाइव ही देख लीजिए, ये बहुत बड़े हिमेश रेशमिया के फैन हैं। हिमेश रेशमिया से जो भी अगर आप कभी इस वीडियो को देखें तो हमारे पिंटू जी प्यारे लाल को एक मौका जरूर दें। जरा आप माइक पास कर दीजिए नीलेश के पास। नीलेश। यस सर। आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? सर आप बताइए ना, कोई फेवरेट हो तो गाता हूँ। आप टोन दीजिए ना। महबूब गा दो यार तुम। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में, मोहब्बत होगी तेरी नज़रों वफा करती है। सर भूल गया मैं गाना है। क्या बात है, क्या बात है। आज पहली बार लोगों ने इस चैनल पे लाइव ऑर्केस्ट्रा का मजा भी ले लिया, तो सभी ने कमेंट करना है कि किसने किसने अच्छा गाना गाया है। ये अनुप, एक और गाना
अभी अभी खत्म नहीं हुआ भाई, हमारे मूड में आ गए हैं। दिल का क्या करे, आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर जीने की तमन्ना है। क्या बात है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कोई बताए मैं कहाँ हूँ, हो कोई बताए मैं कहाँ हूँ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। टेक्निकल सैंडी चैनल पे आप देख रहे हैं लाइव ऑर्केस्ट्रा। अब यहाँ से सिंगर का ट्रांसफर कर रहे हुए फिर से एक गाना हम गाना जाएंगे। चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा दिल पल पल कहते हैं। कैसी ये जुदाई है, कितनी तन्हाई है। चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। थैंक्स भाई की जो भी गर्लफ्रेंड हो यार, फिर से उसको हाँ बोल देना, बड़े गम में गाया है उसने। इसी के साथ हम टेक्निकल संडे पे आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। एक बार एक गाना देखिए आज टेक्निकल संडे पे ऑर्केस्ट्रा खत्म ही नहीं हो रहा है। इतने लोग, कौन कहता है इंजीनियर, कौन कहता है इंजीनियर शायरी नहीं करता है। इंजीनियर करने के बाद शायरी ही करता है। मर जावा मिट जावा मर जावा, मर जावा मिट जावा मर जावा, इश्क में दिल क्या जान बिना मुतरे कर जावा मर जावा जावा। शमिया जी पहले तो नाक से गाते थे, आप कौन से नाक से गा रहे हैं। मर जावा जावा, इस खोज को बताएं, दुनिया के सामने लाएं। मर जावा मिट जावा मर जावा। तो चलो आप दोनों जन मिलके इस चैनल पे अभी हम लोग करते हैं बाय बाय लोगों को। तो क्या कहना चाहते हो हमारी जनता के लिए? डियर ऑल माय फ्रेंड्स, जो जो हमारा वीडियो देखे अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। खुश रहें, अपने समय को एंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात सर, आपने हमें मौका दिया। अभी थोड़ा सा हम काम के स्ट्रेस में बहुत काम करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं, और दिन भर स्ट्रेस से था। थोड़े से समय में हमें काफी एंटरटेन भी हुआ, दूसरे हमें खुद अच्छा लगा। हमने थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम किया, और अपने जो मन की बात है हर जगह मौका नहीं मिलता है ऐसा, तो आपने हमें मौका दिया। इतना सपोर्ट हर जगह नहीं मिलता है सर। ओके चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो को फटाफट लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी नए बंदे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो अपने मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और हमेशा खुश रहो यार।